एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग बना रही हूँ ना, एक साल के बाद वाला व्लॉग है। मतलब कहने का कि आज आने वाले 12 बजे मतलब फ्राइडे को रजनीश का बर्थडे है, जो कि 21 जून को होता है। ठीक है, तो होता है रजनीश का बर्थडे 21 जून को। आज है 20, मतलब आज रात को 12 बजे मैं रजनीश का केक कट करने वाली हूँ। लो, लाइट फिर से गई। लाइट एक्चुअली हुआ है ना, ये कल हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा आंधी तूफान आया था ना कि उसके वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है यहाँ पे। तार वार जो भी होती है वहाँ पे ट्रांसफार्मर में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया है, तो कल रात से यहाँ पे लाइट आई नहीं है। और अभी आई, 5 मिनट ही रहा, वो भी चली गई। हो सकता है ये अभी टेस्ट ले रहे हो, तो हो सकता है आ जाए ये लाइट। और तो बात कर रहे थे कि रजनीश का बर्थडे है, तो 12 बजे हमने करना है केक कट। उसके लिए केक वाले को मैंने ऑर्डर दे दिया है। बहुत ही मुश्किल से, इतनी गर्मी हो रही है ना, बहुत ही मुश्किल से हमने केक वाले का नंबर, मैंने केक वाले का नंबर ढूंढ के निकाला था ऑनलाइन। एक्चुअली ना यहाँ पे जो एक ही है केक वाला, जो कि यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट है, यहाँ पे एक ही है केक वाला, एक ही केक बेकरी है, जो कि वहाँ मैंने सोचा भी नहीं था कि गूगल में उसका नंबर भी होगा, शुक्र है कि मिल गया। तो उसको मैंने कॉल किया, उससे कर लिया मैंने कि ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए और इतने बजे चाहिए। तो ये हो गया मेरा फाइनल, शुक्र है। तो चलिए जल्दी से आज का मैं व्लॉग्स चलिए जल्दी से आज का हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। होप आपको आज का ये व्लॉग ज़रूर पसंद आए, क्योंकि ये जो सरप्राइज़ है ये मैं पहली बार करने जा रही हूँ। मैंने आज तक पहले कभी भी किसी के लिए भी 12 बजे वाला विश कभी भी नहीं किया है। और होप करती हूँ प्लीज़ लाइट ज़रूर आ जाए, क्योंकि कल से लाइट गई हुई, आप सोच सकते हो लाइट के बिना हम 5 मिनट या 1 घंटा भी बहुत मुश्किल से निकालते हैं ना। और यहाँ तो कल से लाइट नहीं है, इतनी मुश्किल हो रही है ना। 5 मिनट हुए, लाइट आई, वो भी गई। चलिए जल्दी से व्लॉग स्टार्ट करें। इधर से आ रहा है केक वाला या इधर से आ रहा है केक वाला? पापा को पता नहीं लगना चाहिए, केक वाले को बुलाया है हमने। ओके, लाइट भी आ गई, लाइट आ गई। बच्चे थैंक गॉड कि लाइट आ गई, मेरा केक नहीं खराब होगा है। ये छुपा के रखना है हमने पापा से। ओके, इधर बोल दो हेलो गाइस, करो हेलो, हेलो करो, हेलो। रूही क्या पी रही है, रूही क्या पी रही है दिखाओ। चाय, चाय और वाटर। रूही पानी पी रही है। हेलो गाइस, हेलो, हेलो रूही, ऐसे बोलो रूही, कैसे बोलोगे हैप्पी बर्थडे पापा। ये दे दो मम्मा को, दे दो मम्मा को, दो ये दो मम्मा को, दे दो दे दो दे दो। हैप्पी बर्थडे नहीं करना, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू पापा, हैप्पी बर्थडे टू पापा। बस ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, करो। हैप्पी बर्थडे टू पापा, हैप्पी बर्थडे टू पापा। उमंग भी कर दो। सो भी किसी तरीके से ना मैंने रजनीश को फ्रिज से दूर रखा हुआ है, कि उसे प्यास लगने से पहले पूछ ले रही हूँ आपने पानी पीना है, आपको कुछ खाना है, ताकि वो फ्रिज के आसपास भी ना जा सके। और ये जो काम मैं कर रही हूँ ना, बहुत ही पहली बार कर रही हूँ, तो ऐसे ऐसी शिवरिंग हो रही है मुझे। और फ्रिज में केक मम्मी ना देख ले, ये भी हो सकता है। और अभी ना वीडियो बनाते बनाते शिवरिंग के चक्कर में मेरा फ़ोन भी मुझसे गिरा है और क्रैक आ गया। शुक्र है कि स्क्रीन में नहीं आया, जो स्क्रीन गार्ड होता है उसमें आया स्क्रैच, ऐसे स्क्रैच। तो अभी मैंने रजनीश को रूही को पकड़ा दिया है, ताकि रजनीश रूही के पीछे बिजी रहे और किचन से दूर रहे जितना हो सकता है। पहले जाके ना फ्रिज में देख लेते हैं कि केक का डिज़ाइन कैसा है, कैंडल आया है कि नहीं, क्योंकि मैंने रजनीश को नहाने के लिए भेज दिया था जल्दी से कि आप जाओ नहाने के लिए, तब तक मैं केक रिसीव कर लेती। तो ये तो अच्छा था कि रजनीश नहा रहे थे, टाइमिंग अच्छी रही कि केक वाला भी उस टाइम आ गया जब रजनीश नहा रहे थे। दूसरी बात ये थी कि केक वाले से भी मैं डर डर के बात करी थी कि यहाँ पे गांव का एरिया है और लाइट कल से नहीं है हमारे यहाँ पे, कल से लाइट इतनी परेशान कर रही ना, कल रात को भी हम सो नहीं सके, बहुत ही बुरी हालत रही है। अब जाके लाइट आई, वो तो शुक्र है,
कि फ्रिज चल पड़ा और लाइट आ गई, नहीं तो केक भी हो सकता था, केक ख़राब हो जाए। वैसे तो केक मैंने फ्रेश बनवाया था। तो सबसे पहले केक जाके केक का डिज़ाइन देख लेते हैं। तो केक कुछ इस तरीके से है। अभी मैंने डिब्बे से बाहर निकाल रही हूँ तो रजनीश इसने कहाँ पे लिख दिया, वो नज़र ही नहीं आएगा। ये तो काफ़ी जल्दी कम हो गया, जल्दी से बंद कर लेते हैं। तो मैं पता है क्या सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि उस ऐसे ना वो केक जो है, केक वो दिख रहा है कि ये केक है ना, इसमें मैं सोच रही हूँ कि ब्लैक लिफाफे में, ब्लैक पॉलीथिन में ना उसको कवर कर देती हूँ ताकि किसी को पता ना चले ऐसे देखने से। तो वो करती हूँ, ब्लैक पॉलीथिन के नाम पे मुझे ये मिला है, इसी में पैक कर लेते हैं। सो ये हो गया पैक हमारा केक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ऐसा हुआ ना कि रात को 12:30 बजे जाके मेरी नींद खुली। वैसे तो मैं आँख खोल के रखी थी कि मुझे नहीं सोना है, नहीं सोना है, नहीं सोना, पर फिर भी आँख लगी और फिर जाके मेरी खुली 12:30 बजे नींद। उसके बाद मम्मी ने मना कर दिया कि 12 बजे केक नहीं कट करना है, तो फिर मैंने भी रहने दिया कि चलो ठीक है नहीं कट करते। वैसे अभी सुबह हो चुकी है, 5:30 या 6 बज रहे हैं। तो चलिए चाय पीते हैं सुबह की और आपसे मिलते हैं चाय में। वैसे तो चाय सुबह सुबह पीना अच्छी बात नहीं होती है, हेल्दी शुरुआत करनी चाहिए सभी को अपनी सुबह की। हेल्दी सुबह के नाम पे मैं सिर्फ़ एक पानी पीती हूँ, पानी का ग्लास भरकर, और उसके बाद चाय पीती हूँ। वैसे तो चाय मैं पीती ही नहीं हूँ सुबह सुबह, दूध पीती हूँ, और हमारी भैंस अभी दूध दे नहीं रही है, इसीलिए हमें सुबह सुबह चाय पीना पड़ रहा है। हेलो एवरीवन। तो दूसरे दिन की सुबह हो चुकी है और रूही क्या कर रहे हो आप, इधर आओ मम्मा के पास आओ। तो दूसरे दिन की सुबह हो चुकी है और ऐसा हुआ था ना कि रात को मैंने मम्मी से प्लान किया था कि हमने रात को 12 बजे केक कट करना है। तो मम्मी ने मना कर दिया कि रात को 12 बजे हम केक नहीं कट करेंगे, हम करेंगे अगले दिन, तो अगले दिन शाम को ही होना है। तो वैसे अब सुबह हो चुकी है और देखते हैं, वैसे शाम हो चुकी है। सुबह से मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अभी शाम हो चुकी है, तो शाम अब देखते हैं कि केक कब कट करना है। वैसे अभी हैप्पी बर्थडे पापा, चलो आओ अंदर आओ, फटाफट आओ अंदर, चलो चलो। एसी की हवा से कैंडल बुझ रहा है, ऊपर रखो ना, ब्लो ऊपर रखो, और ऊपर चलो करो फू, करो ऐसे, वो देख वो देख, फू करो, फू करो, ले कर। ओ चलो हैप्पी बर्थडे, चलो क्लैपिंग कर दो, हैप्पी बर्थडे टू यू, कर दे चाहे ताली का, हैप्पी बर्थडे टू यू, करो क्लैपिंग। ओहो रूही हैप्पी बर्थडे टू यू, याद ही नहीं रहा कि इनको भी खिलाना है। बड़का था जिनका बर्थडे है उनको तो खिलाया ही नहीं केक। ले भाई चल। हाय हाय, ये क्या किया है, ये औरी बर्थडे कलाका हाय। अरे क्या मारा, यही होता ये बात है, ये होली है, इधर आया ना।
नहीं खाना है कि खाना है? बस पा दो ना। और आपकी? मैं उसकी खींच लूँ ऐसे ही, वो देखो मुँह उसको। पहले आपको, आप ये बताओ ना, कैसे पता चला कि केक है फ्रिज में? तो फ्रिज में मैंने देखा नहीं, डब्बा रखा हुआ, डब्बा कहाँ से है? तो डब्बा तो काले लिफाफे में था। तो पता चल ही जाता घर पे बड़ा हुआ। वो देखो क्या डाला। दो तू करो, तू करो, तू करो। गंदा। नो नो, कुछ भी नहीं मिलेगा।